कलकत्ता से सुमित्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। हाँ हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद। हकीम साहब, मैं 5-6 महीने से मैं गोंद चिया खा रही हूँ, अभी मेरा खत्म हो गया है, लेकिन मेरे बीच में काफी ठीक था, कमर में दर्द और टांग में जो आता था नहीं आता था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ लास्ट महीना जब खत्म हुआ है गोंद चिया, तब से मेरे थोड़ा दर्द रहता है टांग में भी और पाँव में मेरे दर्द रहता है अभी भी, तो मैं क्या करूँ अब इसके लिए। अच्छा देखिए, कभी कभी ये दर्द होगा आपको, जब भी आप वज़न उठाएंगे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे, तब आपको बार बार ये हो सकता है। अगर इत्तफाकन हो जाए तो दर्द की दवा ले लेना, और अगर ये मुस्तकिल हो तो कौन सा इलाज है इसका, और आधा आधा ग्राम इसकी खुराक है, एक बार या दो बार ले सकते हैं। वेट ज़्यादा है तो बार बार आपको परेशानी होगी, तो वेट कम करने की भी आप दवा ले सकते हैं, और ज़िंदगी में कई बार ये आपको परेशान करेगा, आपका इसका तजर्बा हो गया, जब भी ज़रूरत हो आप इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मुरादाबाद से हैं परवीन कपूर जी, स्वागत है आपका। जी सवाल कर लीजिए सर। मेरे को इस तो नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है। उम्र कितनी है? मेरी 51 है, और मेरी वाइफ की जो है वो 46 है, उसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है। जी हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल, कभी सोचता हूँ मुझे भी अक्सर डिप्रेशन हो जाता है, और जैसे दुनिया के हालात होते हैं, जैसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आना तय है। जो भी आदमी जिम्मेदार है वो सोचता ज़्यादा है, और उस सोच से निकल कर आना चाहिए। कभी कभी हम डीप सोच कर वहीं रह जाते हैं, और भगवान पे भरोसा करें, कोई भी परेशानी आए तो उसमें कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं, बाकी सब भगवान पे छोड़ दें। अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली तो उसमें भी इत्मीनान रखें कि भगवान की तरफ से आपके लिए यही बेहतर है। और एक चम्मच धनिए का पाउडर रोज़ाना 2 बार खाएं। धनिया तो आप जानते हैं, धनिए का पाउडर 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक, जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या दो बार, सुबह और रात को सोते वक्त, आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन, फिर नींद नहीं आती, ऊपर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तीनों चीज़ें ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई हैं तो वो तो वैसे ही बीमार ही है। देखिए डीप तो सब समझदार लोग जाते हैं, डीप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता, समझदार आदमी जाता है जी। और इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, समाज में, घर में, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, फसाद, आपस में लड़ाई झगड़े, और कोई इतनी किस्म की परेशानी है कि आदमी गिन भी नहीं सकता। हमें अपने हालात में जीना चाहिए, जैसे हालात हों वैसा हो जाए, और भगवान का शुक्र वाला ज़रूर हो। ज़्यादातर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते। देखिए जिस हाल में भी भगवान रखे, अगर वो हमें 2 वक्त की रोटी, हलाल रोज़ी, रिश्वत वाली नहीं, मेहनत वाली और हक वाली, हलाल वाली दे रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कर्म है। बस ये रोटी ही सच्चाई है ज़िंदगी की, बाकी पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा, और घर नहीं होगा तो फुटपाथ पे सो जाएगा, और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते, अगर भगवान रोटी दे रहा है 2 वक्त की इज्जत से, समझ लीजिए उसकी बहुत बड़ी इनायत है। अब आपको जो कुछ चाहिए, तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें। अगर आपने यहाँ से
दिल से भगवान का शुक्र किया, भगवान को राज़ी कर लिया, तो जो चाहोगे भगवान आपको दे सकता है, लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माँ बाप की सेवा करें, जिसका जो हक है उसको वो हक दें, किसी का हक ना मारें, गरीबों से मोहब्बत करें, और इन बातों से भगवान राज़ी होता है। और जिसने भगवान को राज़ी कर लिया वो भगवान से हर चीज़ ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुमकिन हो, ये मेरा अपना तजर्बा है। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से नरेश जी, स्वागत है आपका। जी सर। मेरा लैटरिन में खून आवाज है। ठीक है नरेश जी, देखिए नस्खा लिख लीजिए और बनाइए और इस्तेमाल करिए। एक तो आप ऐसी चीज़ें खाया करें जो आसानी से हजम हो जाए, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। और एक नुस्खा है वो बना लें, देख कत्था जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है ना, कत्थई सा होता है वो, कत्था लें 100 ग्राम, सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद कहते हैं, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम ले लें, और कत्था सफ़ेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, इस सब गोल की भूसी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना, सफ़ेद गौंद मोरिंगा और धनिया 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं और 2 ग्राम सुबह खाएं, 2 ग्राम शाम को, 1-1 कप दूध से खाने से पहले खाएं तो बहुत बेहतर है, या इनकी गोलियां बना लें इस पाउडर की, और काबली चने के बराबर गोलियां बना लें और 2 गोली सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ, 2 गोली शाम को लें। तो जितना नुस्खा मैंने बताया है, इतना नुस्खा आपने बनाया, तो इसके ख़त्म होने से पहले आपको अच्छा होना मुमकिन है। जी। अगले कॉलर हैं यमुनानगर से सुरेश पाल जी, स्वागत है आपका। आए जी सर। मैंने अपने बहू के बारे में पूछना जी। हाँ जी बताइए। मेरी बहू को थायराइड भी है जी और गठिये भी है। ठीक है। अच्छा देखिए, धनिया और अलसी, अलसी को हल्का सा भून लें और धनिए के साथ पाउडर बना लें, और एक आता है गौंद स्याह, काला गौंद, ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, गौंद स्याह 1/2 ग्राम, और ये जो धनिया और अलसी का पाउडर आपने बनाया है ये 1 चम्मच, याद रखें, और ये गौंद स्याह असली लें और 1/2 ग्राम इसमें मिलाकर सुबह और शाम खाने के बाद चम्मच भरकर ये इस्तेमाल किया करें दिन में 2 बार, और जो थायराइड की दवा वगैरह है वो भी चलती रहने दें, और हर 2 महीने में फिर आप थायराइड का टेस्ट कराएं तो आपको अच्छा लगेगा, डॉक्टर को भी आपके, कि उनका थायराइड कंट्रोल आता जाएगा, जितना कंट्रोल आए आपके डॉक्टर के मशवरे से वो उनकी थायराइड की गोली को प्रोटेंसी कम करते करते उसे छुड़ाएंगे, इसमें 6-7 महीने लग सकते हैं, दोनों चीज़ें, दोनों रोग बच्ची के ठीक हो सकते हैं आपकी बहू के। जी। यूपी से इमराना हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। जी बताइए। सारी आवाज जी आ रही है आपकी आवाज। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, वो है ना, अस्सलाम।
वालेकुम सलाम इमराना, बताइए। मुझे है ना जस्ट जैसे डेस्क का थोड़ा बहुत झाड़ वगैरह का काम करते हैं ना, एलर्जी होती है, छींक आने लग जाती है, फिर जुकाम हो जाता है। कितनी उम्र है इमराना आपकी? 25। अच्छा बच्चा, देखिए जी, ये मरज जिसको होता है उसमें कुव्वत मुदाफियत यानी इम्यूनिटी की कमी होती है, और अगर इसका इलाज 5-6 महीने किया जाए तो फ़ायदा मुमकिन है, बशर्ते कि आप खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें भी छोड़ दें इलाज के दौरान। तो उसका इलाज मैं बताता हूँ, आप लिख लीजिए, अगर आपके पास कलम है और कॉपी है तो आपके बड़ा काम आएगी। देखिए, सपिस्तान एक दवा है जिसको आसान जबान में लिसोड़ा कहते हैं, यानी लिसोड़ा 100 ग्राम और उन्नाप 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, सपिस्तान, उन्नाप, अलसी 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाप की गुठली निकाल कर फेंकनी पड़ेगी और इसमें 30 ग्राम पीपलें जो हमारे किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, पीपलें, इसमें 30 ग्राम मिला के पाउडर बना लें। अब ये 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार मुझे से कहते हैं, गरम पानी या गरम गरम चाय के साथ आप सुबह निहार मुख खाएँ और रात को सोते वक्त 1-1 चम्मच इसका छोटा चाय का चम्मच भर के खाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है, लेकिन 6-7 महीने लगातार लेनी होगी। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल ना खाएं तो फ़ायदा मुमकिन है जी। पंजाब से है लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए ने मैडम जी ताड़ी। जी मैम। हाँ जी, और वीर जी नमस्कार। वीर जी जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। पहले तो आप बिजी रहे, इतने दिन आए नहीं, और बाद में हम बिजी हो गए भाई। अच्छा, आप खैरियत से हैं, तबीयत अच्छी है आपकी? हाँ जी हाँ जी, सब आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। बताइए। हाँ जी दीदी, एक अपना 22 साल का लड़का है, उनको छींका और जुकाम काफी रहता है, लेकिन ना उनको हम 4 महीने हो गए उन्ना वाला नुस्खा देते, साथ में उनको फिर थोड़ा सा नमक जैतून भी दिया, भी चलो एलर्जी के साथ हो सकता है, लेकिन वो कहता ना मेरे को गर्मी में ज्यादा रहता है, सर्दी में ठीक हो जाता है। फिर हम उसको कुछ ये तो मतलब ये तो नहीं कि गर्मी का मारा उसको होता हो जुकाम, तो उसको क्या दे। और एक और सवाल है, एक बच्चे की उम्र है 4.5 साल, उनकी ना स्किन पे जैसे फिलकरे जो होते हैं वो हो जाते हैं, उनको ना बहुत टाइम हो गया बेचारे, 2 साल हो गए दवाई दवाते हुए, इंग्लिश मेडिसिन आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी, एक था तो ठीक हो जाते हैं, दूसरे था हो जाते हैं, फेस और हाथों पे ज्यादा होते हैं। क्या निशानात होते? निशान नहीं जी, फिलकरे हो जाते हैं, फिलकरे पानी के जैसे पानी के दाने छोटे छोटे। हाँ फिलकरे, फिलकरे जो होते थे जैसे छाले कह देते हैं हम, फिलकरे से छाले टाइप के। हाँ जी हाँ जी, छाले टाइप के पानी के, ठीक है ठीक, फिलकरे आप बोलते हैं ना उसको, फिलकरे। हाँ जी, वो हो जाते हैं हाथों और फेस पे ज्यादा होते हैं, एक जगह ठीक हो जाते हैं दूसरी जगह हो जाते हैं, 2 साल हो गए उनको इंग्लिश मेडिसिन देते हुए, लेकिन आराम नहीं आता, 4.5 साल का वर्ष का बच्चा है जी। बच्चा 4.5 साल का जी? हाँ जी हाँ जी, हाँ छोटा बच्चा है ना मैम, ये तो बहुत हाँ छोटा बच्चा है। हाँ जी हाँ जी, 2 साल हो गए मैडम, वो ना तंग हो रहे हैं इंग्लिश मेडिसिन देकर, वो पूछ रहे थे हमसे कि कोई ट्रीटमेंट है तो बता दो। ठीक है जी, आप तो खैर समझदार हैं बहुत, लेकिन उनको समझाना बहुत जरूरी है कि एक चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें, और ये पूरा 1 लीटर पानी बच्चा 1 दिन में या 2 दिन में पी ले, बाकी जो दूध वूध पीता है वो सब पी सकता है, तो एक साथ ना तो पिएगा भी नहीं और पीना भी नहीं चाहिए, ये वो 4.5 साल के बच्चे का, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा ना डालें, और जब भी वो पानी या शरबत मांगे तो इस पानी में शरबत बना दें, इस दूध दूध पिए तो ये पानी थोड़ा
थोड़ा सा दूध में डाल दें, कुछ भी खाए ना तो ये पानी ज़रा सा, लेकिन एक लीटर में डालें, एक लीटर एक बोतल में भर एक चुटकी मिलाएं, एहतियात से दें, पूरे 24 घंटे में बस एक बोतल उसके पेट में जानी चाहिए। तो जिस तरह से भी आप इस्तेमाल करें। और क्या सवाल था? 22 साल का एक बच्चा है जिन्हें जुकाम छींकें रहती हैं जी। हाँ, उनको याद रखें कि उनको नुस्खा तो यही देना है, लेकिन एक चुटकी या उससे कम गौन चिलगोजा मिलाकर देना है, तब उनको फ़ायदा मुमकिन है। कम से कम एक बार पूरे दिन में, जैसे दो बार नुस्खा लेते हैं ना, तो एक बार एक चुटकी गौन चिलगोजा एक खुराक में मिला के दें, और एक खुराक ऐसी ही दे दें। गौन चिलगोजा बहुत तेज़ होता है, इसलिए एक ही बार दें तो बहुत जल्द उसको कंट्रोल होगा, लेकिन 6-7 महीने तो लग सकते हैं।